हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और माइक्रोबायोलॉजी की आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बैक्टीरिया के जो प्रकार हैं उनकी आकृति के आधार पर या शेप के आधार पर। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि हमने जो है यहां इनके जो फॉर्म्स के प्रकार हैं या कह सकते हैं कि शेप के आधार पर जो बैक्टीरिया के प्रकार हैं उनको मोटे तौर पर लिख लिया है। इन बात के बारे में सबसे पहले चर्चा करने से पहले हम जान लेते हैं कुछ छोटी बातें बैक्टीरिया से जुड़ी हुई। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके आवास के बारे में। जैसा कि आपको इससे पिछले वाले वीडियो में बताया था कि जो बैक्टीरिया हैं वो इस संसार में सभी जगह पर पाए जाते हैं, या हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो जीवाणु होते हैं वो सर्वव्यापी होते हैं। चाहे किसी प्रकार का आवास है, चाहे बहता हुआ जल हो, चाहे बर्फ हो, चाहे पर्वत हो या फिर वायु हो, बैक्टीरिया जो है लगभग हर जगह अपनी उपस्थिति दर्शाते हैं, चाहे परिस्थितियाँ जो है प्रतिकूल ही क्यों ना हो। यहाँ तक कि जो है बैक्टीरिया माइनस टेम्परेचर और यहाँ तक कि अधिकतम टेम्परेचर जो है लगभग 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान पर बैक्टीरिया पाए जा सकते हैं। तो कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो बैक्टीरिया हैं वो सर्वव्यापी होते हैं और हर जगह अपनी उपस्थिति दर्शाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि बैक्टीरिया का जो है क्या साइज होता है। तो साइज की अगर हम बात करें या उनके आकार की बात करें तो बैक्टीरिया के जो साइज है उसमें काफ़ी वेरिएशन हमें देखने को मिलती हैं, क्योंकि अलग अलग प्रकार के जो बैक्टीरिया हैं वो साइज में काफ़ी भिन्नताएं दर्शाते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो जो गोलाकार जीवाणु होते हैं उनकी एक तरीके से कहें तो जो परास होती है वो 0.2 माइक्रोन से लेकर के और 2 माइक्रोन व्यास की परास होती है लगभग, ये जो है औसत आकार है। और यहाँ जो है मैं आपको ये भी जिक्र कर दूं कि जो है हमने अभी जैसे मैंने आपको बताया कि माइक्रोन में जो है इनके साइज को नापते हैं हम, तो माइक्रोन जो है वह इकाई होती है जिसमें हम जीवाणु के साइज को मापते हैं। क्योंकि आप सभी जानते ही हैं कि जीवाणु जो है उनको हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते, तो इनका जो साइज होता है वो काफ़ी छोटा होता है और इनके साइज को हम माइक्रोन में नापते हैं। और एक माइक्रोन बराबर होता है 10^-6 मीटर, या एक मीटर में अगर हम भाग दें 10^-6 का, तो इतना जो हिस्सा है वो एक माइक्रोन होता है। और इसी माइक्रोन में हम यहाँ पर जो है जीवाणुओं को नापते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे थे कि जो जीवाणु हैं उनका क्या साइज रहता है। तो जैसा कि आपको बताया कि जो गोलाकार जीवाणु है वो थोड़े से छोटे आमाप के होते हैं, और जो बैसिलस या दंडाकार जीवाणु हैं अगर हम उनकी आमाप की बात करें तो इनका आमाप जो है 0.5 से लेकर के लगभग 2 माइक्रोन व्यास और लंबाई जो है इनकी 3 से लेकर के 5-6 आदि जो है माइक्रोन लंबाई इनकी पाई जा सकती है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो है वाइड रेंज लंबाई और व्यास में ये दर्शाते हैं। अलग अलग प्रकार के जो जीवाणु हैं उनका अलग अलग प्रकार का जो है आमाप पाया जाता है। अगर हम देखें तो इस प्रकृति में हमें छोटे से छोटे जीवाणु से लेकर काफ़ी बड़े तक जो है जीवाणु पाए जाते हैं, तो मतलब एक वाइड रेंज इसकी हो गई है। यहाँ पर हमने देख सकते हैं कि आप मिनिमम साइज ऑफ बैक्टीरिया की बात करें तो जो सबसे छोटा जीवाणु है वो है डायलिस्टर न्यूमोसिंटस, और इस डायलिस्टर का जो अगर हम आम आप देखें तो वो 0.15 माइक्रोन से 0.3 माइक्रोन आमाप का होता है। इसका जो साइज है वो काफ़ी छोटा है और इसीलिए जो है बैक्टीरिया वो न्यूनतम आमाप का है या मिनिमम साइज का होता है। अगर हम मैक्सिमम साइज के बैक्टीरिया की बात करें तो जो बैगेटोआ है वो 70 से 80 माइक्रोन व्यास तक का होता है। इसके अलावा और भी बैक्टीरिया है, जैसे कुछ सल्फर बैक्टीरिया है, कुछ आपके जो स्पाइरिलम बैक्टीरिया है वो भी काफ़ी बड़े आकार के होते हैं, जिनका कि आम आप 30 या 35-40 माइक्रोन के आसपास का होता है। तो यहाँ पर आप इस बात को तो समझ ही गए हैं कि जो बैक्टीरिया है उनको हम माइक्रोन इकाई में नापते हैं और 2 से लेकर के 8 या 10
माइक्रोन के आसपास का जो एक औसत व्यास इनमें देखने को मिलता है लंबाई चौड़ाई के लिहाज से, जो कि गोलाकार में अलग है और बैसिलस में अलग है। और अब हम बात करेंगे कि इनको इनकी आकृति के आधार पर जो है कितने प्रकारों में हम बांट सकते हैं। वैसे ये जो तरीका है वो पुराना है, वर्तमान में जो है इस तरीके के स्थान पर अन्य जो है तरीके अपनाए जाते हैं बैक्टीरिया के प्रकारों को समझाने के लिए, लेकिन फिर भी ये जो है प्रचलन में आने के कारण अभी भी काम में लिया जाता है। तो जो बैक्टीरिया की आकृति है या फॉर्म्स मतलब जो शेप है, उस शेप के आधार पर ये काफ़ी सारे जो फॉर्म्स हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो इनकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर जो है, अगर हम देखें तो तीन प्रकार के जो जीवाणुओं के आकृति है वो मुख्य तौर पर पाई जाती है, जिसमें से पहली है गोलाकार, दूसरी छड़ाकार और तीसरी सर्पिलाकार। और इसके अलावा जो है आपको ये अन्य प्रकार की जो आकृतियां हैं बैक्टीरिया की वो भी देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं आपके गोलाकार जीवाणुओं की, जिनको हम अंग्रेजी में स्फेरिकल या कोकस भी कहते हैं। नाम से ही आपको यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है, पता चल रहा है कि ये जो जीवाणु हैं वो गोल आकृति के होते हैं, ठीक इस तरीके से ये गोलाकार आकृति के पाए जाते हैं और इनको हम स्फेरिकल बैक्टीरिया भी कहते हैं। और जो हम सबसे ज़्यादा शब्द प्रयोग में लाते हैं वो इनके लिए कोकस लाते हैं, और इन्हीं के आधार पर इनका हम नाम दे देते हैं। अब देखिए किस तरीके से जो है इनके व्यवस्था के आधार पर अलग अलग जो है हमें इन बैक्टीरिया के प्रकार देखने को मिलते हैं। तो जब ये जो अपने गोलाकार जीवाणु हैं या कोकस हैं, जब ये कोशिका सिंगल गोलाकार कोशिका होगी तो इसको हम कोकस कह देते हैं। जैसे कि माइक्रोकोकाई हमारा पहला है, माइक्रोकोकस ऑरियस इसका उदाहरण है। सिंगल जो गोलाकार कोशिका होगी उसको हम कहते हैं माइक्रोकोकाई। और इसके अलावा जब कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, एक से ज़्यादा होती है, तो ये जो है अपने आप को अलग अलग तरीके से व्यवस्थित कर लेते हैं। देखिए आप, अगर दूसरा प्रकार है हमारा डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस जब गोलाकार जीवाणु की जो है इस तरीके से पाए जाते हैं, दो दो के जोड़े में पाए जाएंगे, तो उसको हम कहते हैं डिप्लोकोकस। और डिप्लोकोकस का उदाहरण है डिप्लोकोकस निमोनई। ठीक है, पुनः एक बार बात कर लेते हैं। अगर ये गोलाकार जीवाणु जब सिंगल सेल के रूप में पाए जाते हैं तो उसको हम कहते हैं माइक्रोकोकाई, और माइक्रोकोकाई का उदाहरण है माइक्रोकोकस ऑरियस। और जब दो के रूप में पाई जाएगी तो उसको हम कहते हैं डिप्लोकोकस, अर्थात इस प्रकार के जीवाणु डिप्लोकोकस कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल डिप्लोकोकस निमोनी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट गोलाकार जीवाणु प्रकार की, जो कि है ट्रेट्राकोकस। ट्रेट्राकोकस जो है वो चार जब कोशिकाएं जीवाणुओं की इकट्ठी हो जाती हैं तो उसको हम ट्रेट्राकोकस कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ट्रेट्राकोकस है उसका उदाहरण है नाइसेरिया और माइक्रोकोकस टेट्रोजीनस। तो ये जो ट्रेट्राकोकस है वो इस तरीके से चार के समूह में व्यवस्थित पाए जाते हैं, लगभग वर्गाकार आकृति में ये पाए जाते हैं टेट्राकोकस। और उदाहरण हमने यहाँ समझ लिया, इसका उदाहरण है नाइसेरिया और माइक्रोकोकस टेट्राजीनस। नेक्स्ट प्रकार हम देख लेते हैं, तो नेक्स्ट प्रकार है हमारा स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकाई ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें गोलाकार जो कोशिकाएँ हैं वो श्रृंखला में पाई जाती हैं, एक जो है माला की भांति हम कह सकते हैं कि ये बन जाती है। स्ट्रेप्टोकोकाई जो है अगर हम इसका डायग्राम देखें तो इस तरीके से होगा। देखिए इस तरीके से जो है जीवाणु कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक माला की नुमा जो है संरचना यहाँ पर बन जाती है। तो ऐसे जब ये फॉर्म में पाए जाएंगे तो इनको हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई। और स्ट्रेप्टोकोकाई का उदाहरण है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और स्ट्रेप्टोकोकस एग्लैक्टी। तो आप इसको समझ के होंगे, ये इस तरीके से जो है अगर ये माला के आकार में व्यवस्थित है, एक लंबी श्रृंखला जब बना लेते हैं तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई। नेक्स्ट है हमारा स्टेफिलोकोकाई। जब ये गोलाकार कोशिकाएं अनियमित रूप में पाई जाती हों, जिस तरीके से अंगूर का गुच्छा हमने देखा होगा,
अंगूर के गुच्छे की भांति जब ये पाई जाती हैं तो इसको हम कहते हैं स्टेफिलोकोकाई। ठीक इस तरीके से जो है ये अंगूर के गुच्छों के समान जो है व्यवस्थित हो जाती हैं, जिस तरीके से अंगूर के गुच्छे में अंगूर नियमित रूप से लगे होते हैं, तो ऐसी जो व्यवस्था है, ऐसे प्रकार के जो जीवाणु हैं वो कहलाते हैं स्टेफिलोकोकाई। और इसका उदाहरण है स्टेफिलोकोकस ऑरियस। स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो है वो इसका उदाहरण हो गया स्ट्रेप्टोकोकाई का। नेक्स्ट है हमारे सारसिनी। सारसिनी में जो कोशिकाएं हैं वो घनाभ रूप में व्यवस्थित हो जाती हैं। ठीक इस तरीके से अगर हम इसमें देखें तो ये घनाभ के रूप में जो है व्यवस्थित, जब एक पैकेट के रूप में हम कह सकते हैं व्यवस्थित हो जाती हैं, तो इसको हम कहते हैं सारसिनी। और सारसिनी का उदाहरण है सारसिनी लूटिया। तो ये तो हो गए हमारे जो है गोलाकार जीवाणु। इन छह फॉर्म्स के गोलाकार जीवाणु के बाद में अब हम बात कर लेते हैं छड़ाकार जीवाणु की, या जिनको हम बैसिलस कहते हैं या रोड से बैक्टीरिया कहते हैं या दंडाकार जीवाणु भी कहते हैं। इनके नाम से आपको पता चल रहा है कि इनकी जो आकृति है वो छड़ के समान होती है या दंड के समान होती है, कह सकते हैं कि रोड से बैक्टीरिया है। ठीक इस प्रकार जिस तरीके से कोई रोड होती है उस तरीके की आकृति के जो है ये जीवाणु पाए जाते हैं, इसीलिए इनको हम रोड से बैक्टीरिया कहते हैं या छड़ आकार जीवाणु कहते हैं। कहने का मतलब है छड़ के आकार के जीवाणु। तो ये जो है आप देख सकते हैं कि छड़ के आकार के जीवाणु होते हैं, इनको बैसिलस कहते हैं। और ये काफ़ी वाइड रेंज है इन बैक्टीरिया की, जिस तरीके से गोलाकार जीवाणु ठीक उसी प्रकार इनकी भी काफ़ी वाइड रेंज है। इसमें मान लीजिए ये जो जीवाणु हैं वैसे तो अधिकांशतः ये सिंगल कोशिका के रूप में ही पाए जाते हैं। तो जो गोलाकार जीवाणु हैं यहाँ पर अधिकतर हम देखें तो जो है ये सिंगल सेल के रूप में देखने को मिलते हैं, और वातावरणीय परिस्थिति वगैरह के कारण ये जो कोशिकाएं हैं वो आपस में जो है हमें अलग रूपों में देखने को मिलती हैं। तो अगर सिंगल इस तरीके की जो फॉर्म में बैक्टीरिया पाए जाएंगे रोड से, उनको हम कहते हैं मोनोबैसिलस, और ये अधिकांश जो है वो मोनोबैसिलस ही होते हैं। जब ये कोशिकाएं दो के रूप में पाई जाएंगी इस तरीके से, एक ये और दूसरी अगर हम बनाएं तो इस तरीके, जब ये इस आकृति में पाए जाएंगे तो इनको हम कहते हैं डिप्लोबैसिलस। इसका उदाहरण है डिप्लोबैसिलस न्यूमोनाई। ये जीवाणु जो बैसिलस प्रकार के हैं इनके ऊपर कशाब पाए जा सकते हैं या नहीं भी पाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेप्टोबैसिलस। जब ये दंडाकार जीवाणु इस तरीके से एक श्रृंखला बना लेते हैं कोशिकाओं की, एक लंबी जो है सीरीज बन जाएगी, तो इनको हम कहते हैं स्ट्रेप्टोबैसिलस। और उदाहरण है इसका जो कि आपका टीबी का जो बैक्टीरिया है, टीबी या क्षय रोग जिसको हम बोलते हैं, उसका जो बैक्टीरिया है बैसिलस ट्यूबरक्लोसिस, वो इसका एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोबैसिलस में। जैसा कि आपको बताया कि एक लंबी जो है संरचना बन जाएगी जुड़ने से। तो ये तो हो गए छड़ाकार जीवाणु। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं सर्पिलाकार जीवाणुओं की, या स्पायरल बैक्टीरिया, हेलिकल बैक्टीरिया। आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इनकी जो आकृति होती है वो कुंडली नुमा होती है, या जो है स्पायरल सर्पिल नुमा होती है। सर्पिलाकार आकृति के बैक्टीरिया होते हैं। इस तरीके से अगर हम इनका डायग्राम बनाएं तो ये इस तरीके की जो है बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इनमें आमतौर पर जो है कसाब या फ्लैजिलम हमें जो है देखने को मिलता है। इस टाइप के जो है बैक्टीरिया होते हैं, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कसाब है या फ्लैजिला है। इस प्रकार की जो आकृति है हमें देखने को मिलेगी सर्पिलाकार जीवाणु में। और इसका उदाहरण है स्पायरिलम वॉल्यूटेंस और स्पायरिलम माइनस। तो ये तो हो गए आपके सर्पिलाकार या स्पायरल बैक्टीरिया। नेक्स्ट है हमारे विब्रियो। विब्रियो जो बैक्टीरिया हैं इनकी जो आकृति है वो कोमा के आकृति के होते हैं, अर्थात जिस तरीके से हम कोमा बनाते हैं उस कोमा की आकृति के ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और इसका उदाहरण है विब्रियो कोलेरी, ब्रियो कोलाई। इस प्रकार के बैक्टीरिया हैं जिस तरीके से कोई कोमा की आकृति जैसा कि आपको बताया पाई जाती है, ठीक उसी प्रकार की ये बैक्टीरिया जो है हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है
तंतुमय या फिलामेंटस, तंतुमय या फिलामेंटस जो बैक्टीरिया हैं वो तंतुनुमा रूपों में पाए जाते हैं और इसीलिए इनको हम फिलामेंटस बैक्टीरिया कहते हैं। और इसका उदाहरण है बैगिया टुआ जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, बैगिया टुआ, इसके अलावा थायोथ्रिक्स नोकार्डिया। तो ये जो तंतुमय है इनके ऊपर भी जो है फ्लैजिला पाए जाते हैं आमतौर पर। नेक्स्ट है सेवरंत या स्टॉक बैक्टीरिया। सेवरंत जीवाणु या स्टॉक बैक्टीरिया जो हैं, जैसा कि आपको इसमें नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये व्रंत युक्त बैक्टीरिया होते हैं, इनमें जो है व्रंत हमें देखने को मिलता है। आप यहाँ पर इसकी जो है देख सकते हैं कि किस तरीके से इनकी आकृति पाई जाती है। इनकी जो आकृति है इसमें आप एक जो है पतला सा यहाँ पर व्रंत हमें देखने को मिलता है, ये इनका व्रंत है। और ये जो है व्रंत के अंतिम सिरे पर जो है एक तरीके से चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण कई बार जुड़ भी जाते हैं और गुलाब की पंखुड़ियों की भांति व्यवस्थित हो जाती हैं संरचनाएं। और जिनका ये व्रंत है वो जनन में भाग ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता, उसके आधार पर भी इनको हम दो भागों में बांटते हैं। वैसे तो इसके जो उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं सेवरंत बैक्टीरिया के वो हैं कोलोबैक्टर, गैलियोनेला, हाइपोमाइक्रोबियम। ये सभी जो हैं वो सेवरंत या स्टॉक बैक्टीरिया के उदाहरण है। नेक्स्ट है हमारा बहुरूपी या प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया। बहुरूपी, जैसा कि हमें इसका नाम ही बता रहा है कि इनके जो रूप हैं वो अनेक मिलते हैं, अर्थात ये अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से हम कहें तो अलग अलग आकार में जो है हमें व्यवस्थित देखने को मिलते हैं। इसका उदाहरण जो है एग्जाम्पल है एसिटोबैक्टर। एसिटोबैक्टर जो है एक प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया है। नेक्स्ट है बडिंग बैक्टीरिया या मुकुलन करने वाले जीवाणु। इन जीवाणुओं में जो कोशिका होती है उसमें इसके एक छोर पर ही जो है विभाजन चलते रहते हैं जिससे कि एक मुकुलन नुमा जो संरचना है वो विकसित हो जाती हैं और इसीलिए इनको जो है हम बडिंग बैक्टीरिया या मुकुलन करने वाले जीवाणु कहते हैं। और इसका उदाहरण है रोडोमाइक्रोबियम। रोडोमाइक्रोबियम बडिंग बैक्टीरिया का उदाहरण है। इसी के साथ हमारे ये जो बैक्टीरिया के फॉर्म्स हैं इनके शेप के आधार पर वो यहाँ पर समाप्त हो गए, जिसमें हमने यहाँ पर चर्चा करी थी 8 प्रकार के जो शेप बनते हैं बैक्टीरियाओं में, 8 प्रकार के जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं शेप के आधार पर, जिसमें हमने देखा यहाँ पर गोलाकार जीवाणु, जैसा कि आपको पहले ही बताया था कि ये जो जीवाणु होते हैं वो गोलाकार होते हैं और इन गोलाकारों की जो जीवाणु की कोशिका है उसके व्यवस्था के आधार पर भी इसमें आपको बताए थे 6 प्रकार, जिसमें माइक्रोकोकाई, डिप्लोकोकस, टेट्राकोकस, स्टेप्टोकोकाई, स्टेफिलोकोकाई, सार्सिन, इस तरीके से। दूसरा जो हमने यहाँ पर चर्चा की थी वो छड़ाकार जीवाणु की, और इनके बारे में आपको बता दिया कि ये जो है रॉड शेप होते हैं, दंडनुमा होते हैं। तीसरा था हमारा सर्पिलाकार, जिनकी आकृति सर्पिल के जैसी होती है। चौथा था विब्रियो, कोमा के आकार के विब्रियो कहलाते हैं, जैसे कि विब्रियो कोलेरा या हैजा का जो बैक्टीरिया है विब्रियो कोलेरा, वो इसका उदाहरण था। फिर हमने तंतुमय की बात की, फिलामेंटस, इनकी आकृति तंतुनुमा होती है। फिर जो है व्रंतयुक्त बैक्टीरिया सेवरंत कहलाते हैं और जिनकी बहुत ज़्यादा आकृतियाँ देखने को मिलती हैं वो बहुरूपी या प्लियोमॉर्फिक। और अंत में जो मुकुलन करने वाले बैक्टीरिया की हमने यहाँ पर बात की। इसी के साथ हमारी ये आज की जो क्लास है वो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें ताकि आपको जो है लेटेस्ट वीडियो प्राप्त हो सके। थैंक यू।